जियो लाडली बहना बढ़े चलो लाडली बहना, बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाएगी लाडली बहना योजना। महिला मोर्चा के द्वारा लाडली बहना योजना और महिला सशक्तिकरण को लेकर जिला भाजपा कार्यालय बड़वानी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता में लाडली बहना योजना की जानकारी और उसके फायदे बताए गए हैं। खरगोन से आए अतिथि छाया जोशी नगर पालिका अध्यक्ष खरगोन ने प्रेस वार्ता में कहा कि लाडली बहना योजना से प्रदेश व बहनों का सौभाग्य उदय होगा। 10 जून से प्रदेश भर में पंजीकृत 1,25,00,000 से अधिक बहनों में पात्र बहनों को अकाउंट में हर महीने 1,000 मिलने लगेंगे। इतनी बड़ी संख्या में बहनों का पंजीकरण हमारी नीतियां और हमारे नियत के प्रति प्रदेश के माता बहनों से अटूट विश्वास का प्रतीक है। लाडली बहना योजना मेरी बहनों के जीवन में बदलाव का नया अध्याय लिखा जाएगा। बहनों से आग्रह किया गया है कि कांग्रेस के झूठ में ना फंसे और अपना कोई भी गोपनीय दस्तावेज या खास तौर पर आधार कार्ड षड्यंत्रकारी कांग्रेस के नेताओं के हाथ में ना दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गरिमामय उपस्थिति में खरगोन नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष खरगोन लक्ष्मी शर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंजना पटेल, जिला मंत्री भाजपा बड़वानी मुनीरा साड़ीवाल, जिला महामंत्री महिला मोर्चा बड़वानी शकुंतला राठौर, जिला उपाध्यक्ष निर्मला मायरिया, उपाध्यक्ष प्रिया सोनी, नगर मंडल अध्यक्ष ज्योत्सना अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष सेधवा कविता भट्ट, मंडल महामंत्री ललिता मोरे सेधवा, नवीन गुप्ता, जिला संयोजक सोशल मीडिया सुनील भावसार, मीडिया प्रभारी भाजपा के साथ ही महिला मोर्चा के बहने उपस्थित रही हैं। अंजड़ से महेंद्र भावसार की रिपोर्ट। आपका नाम? अंजना शरद पटेल। पद क्या आपका? जिला मंत्री भाजपा। ये जो वाहन है कार है जिसके ऊपर प्रचार प्रसार लगा मुख्यमंत्री लाडली बहना का, ये वाहन आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है? स्वयं के वजह से, स्वयं के खर्चे से? हाँ, तो ये कहाँ कहाँ घूम रहा है? ये पूरे बड़वानी जिले में घूम रहा है भाई। जहाँ भी हम जाते हैं, रायपुर विधानसभा के एक एक गांव में गया है, और जहाँ भी हम जाते हैं इसी रथ से जाते हैं। गाना भी बजता है लाडली बहना का, और पूरा ये रथ बना हुआ है। अच्छा, पूरे जिले में भी जाता है? पूरे जिले के? पूरे जिले में, ग्रामीण में भी? ग्रामीण क्षेत्र में भी, रायपुर विधानसभा के गाँव में, कहीं भी जाते हैं वो सब रथ। हल्का कहते हैं मुख्यमंत्री स्तर पर कार्यक्रम जो होते हैं तो वहाँ पर उन कार्यक्रम में भी लेके जाते हैं? हाँ, सभी जगह गाड़ी से जाते हैं। हम नागरिकों से वहाँ पे जी सब बहनों को भी बताते हैं, बच्चे भी हम लोग जाते हैं, बहनों को जो सब्जी वाली रहती है बाजार में भी जो बहने दिखती है कि आपने लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा कि नहीं भरा, ये सब बताते हैं उनको कि भरो आप, क्या क्या लगे उसमें, पूरे फॉर्मेलिटी पूरा बताते हैं। अच्छा, ये जहाँ तक आम पब्लिक जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र ये और जो है साप्ताहिक हाट बाजार के अंदर ज्यादा उपस्थित रहते हैं, साप्ताहिक हाट बाजार के अंदर भी अपना समय निकाल के हम रायपुर विधानसभा के एक एक हाट में तलवाड़ा, मंडवाड़ा, ठिकरी और इधर ओजर, बरूफाटा, सभी हाट बाजार में सभी जगह हम गए। आप बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटियों को भी यही कहेंगे कि जो जिन्होंने लाडली बहना योजना का फॉर्म नहीं भरा उनको सबने, हमने फॉर्म भरवाए हैं बेटे, और सभी लाडली बहना योजना का लाभ ले और आत्मनिर्भर बने, आत्मशक्ति बने, यही मेरी नारी शक्ति से।